अभी फर्क बता, आवाज सुन रही है हमारी? बाहर भी बाहर बैठ जाइए, शीला देवी बाहर बैठ जा। दिवस भी कहा जाता है, 3 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है, तो उसी कड़ी में आज जीवन दीप संस्था और स्वास्थ्य विभाग यमुनानगर द्वारा ये हीरिंग किट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम और रिलेटेड प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। मेरे से पहले वक्ताओं ने भी हीरिंग के बारे में, जिस तरह के शोर शराबे में हम रह रहे हैं और पोल्यूशन भी काफ़ी रहता है, तो जो हमारे ईयर हैं, कान हैं, वो बहुत ही एक सेंसिटिव ऑर्गन है बॉडी पार्ट का, अगर उसकी प्रॉपर सफाई ना रखें। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अनरेगुलेटेड मेडिसिन को लें बिना डॉक्टर से पूछे, तो वो व्यक्ति की सुनने की क्षमता पर असर डालता है। आज के दिन को हम इस तरह से संकल्प लें कि आने वाले समय में इस बात का प्रचार प्रसार हो, हीरिंग जो श्रवण शक्ति है उसके बारे में लोग जागरूक हों, किसी हीर से बातों पे, कोएक्स की बातों में ना आए, बिना पूछे दवाइयां ना लें, साफ सफाई रखें, हाइजीन रखें। ईयर हमारे आज की विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हीरिंग डे पर जिला उपायुक्त श्री मुकुल कुमार जी का स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हर वर्ष 3 मार्च 2021 को वर्ल्ड हेयरिंग डे के रूप में मनाया जाता है, और पिछले जैसे जो WHO ने अभी एक लेटेस्ट स्टडी की है उसके अकॉर्डिंगली हर 4 में से एक व्यक्ति जो है, यानी कि 25% आने वाले 30 सालों में, लगभग 25% आबादी विश्व की वो हेयरिंग प्रॉब्लम के साथ जूझ रही होगी। और इसमें जो मेन कारण उभर कर आ रहे हैं उसमें इन्फेक्शन है, जो जन्मजात कुछ बीमारियां हैं, बढ़ता शोर और जीवन शैली भी दो ऐसे लाइफस्टाइल्स हैं जिसकी वजह से ये नंबर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। यदि हम अभी की बात करें तो आज जो है विश्व में जो लगभग 2.5 अरब जो है लोग ऐसे हैं जो बीमारी, कान की बीमारियों से या सुनने की बीमारी से पीड़ित हैं, जबकि 2019 में ये संख्या 1.9 अरब थी। 70 करोड़ लोग हर वर्ष इस बीमारी से, गंभीर समस्या से पीड़ित हो सकते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि हर चौथा व्यक्ति आने वाले समय में ये जो श्रवण संबंधी बीमारी है इससे पीड़ित होगा और वो सुन नहीं पाएगा। इसके लिए WHO ने इस बार विशेष तौर पर एक ऐप भी जो लॉन्च की है, जिसपे एक सामान्य व्यक्ति भी अगर उस ऐप को डाउनलोड करके सुनना चाहे तो अपना उस बेसिक टेस्ट वो कर सकता है, जिससे उसको पता लग सकता है कि उसमें 4 वर्ड जो बोलते हैं कि क्या वो उनको सुन पा रहा है नहीं पा रहा है। और या चक्कर आना, इसका कान और गले के साथ भी संबंध है कान का, जिसके साथ ये बीमारियां, जैसे अगर जुकाम होता है तो कान के पर्दे में छेद होने का डर रहता है। मैं बताती हूं ये कान है जिसमें कान को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अंदर जो नस के साथ कनेक्ट होके ब्रेन को हमारी सप्लाई जाती है, जिससे हम सुनते हैं और जो सुनते हैं उसको समझते हैं। उसकी गल रही हो उसका भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं सिविल अस्पताल यमुनानगर। ये अलग अलग स्लाइड है जिसमें कान के पर्दों के सुराख बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। एक तो आज आपने देखा कि विश्व श्रवण दिवस पे यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग ने ये छोटा सा हियरिंग के लिए कैंप लगाया, और रक्तदान के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं, साथ में रोड एक्सीडेंट के लिए काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन के लिए काम कर रहे हैं, चैलेंज बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, विशेष बच्चों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमारा हमेशा करते हैं।